on me. I promise that you'll never be. वेलकम स्टूडेंट्स, चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने सिविक डेमोक्रेसी वाले चैप्टर को ही क्लास नाइन्थ के लिए. व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है ना. तो ये हमारे इस लेक्चर का सेकंड पार्ट होगा. फर्स्ट पार्ट आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट में एक बार आपको रिवाइज कर देती हूँ कि मैंने कौन कौन से टॉपिक आपको समझाए थे. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डेमोक्रेसी का मतलब बताया था, और फिर मैंने आपको ये भी रिलेट करके बताया था कि डेमोक्रेसी होती क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, और हम डेमोक्रेसी की पहचान कैसे करते हैं, और उसे किस तरीके से नॉन डेमोक्रेसी से डिफ्रेंशिएट करके हम उसका जो रीजन है वो पता लगाते हैं कि डेमोक्रेसी अलग क्यों है, ठीक है ना. तो हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी में पढ़ लिया था कि बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स हमने देखे थे कि अभी भी डेमोक्रेसी के जगह पर और भी कई सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल में आते हैं, जैसे कि आर्मी रूल है, मोनार्की है, नेपाल और सऊदी अरेबिया का एग्जांपल इसके लिए आपको दिया गया था, ठीक है ना. तो ये सब एग्जांपल्स जो है ये क्लियर करते हैं कि डेमोक्रेसी में इलेक्टेड बाय द पीपल का ही रूल होता है, ठीक है. उसके बाद डेमोक्रेसी की मेन फीचर्स क्या हैं ये भी आपको बताए थे कि डेमोक्रेसी का पहला मेन फीचर है रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है. और दूसरा है कि फाइनल डिसीजंस किसके हाथ में होते हैं. मैंने आपको पाकिस्तान का परवेज मुशर्रफ एग्जांपल बताया था, ठीक है. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आपको मैंने बताया था कि ये भी डेमोक्रेसी की पहचान है, उसकी बहुत बड़ी विशेषता है. मेक्सिको और चाइना का एग्जांपल इसके लिए मैंने आपको दिया. फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको वन वोट वन वैल्यू समझाया था कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इस फीचर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है ना. उसके लिए मैंने आपको सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है. रूल विद इन लिमिट्स, ठीक है. जो भी शासन करता है उसे अपनी लिमिट में शासन करना होता है. रॉबर्ट मुगाबे का एग्जाम्पल दिया था जो जिम्बाब्वे से बिलोंग कर रहा था, ठीक है. तो ये सारे क्लियर करने के बाद अब हम अपने जो चैप्टर का नाम है, जैसे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, तो अब हम उसके सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है. सेकेंड पार्ट में हमें ये समझना है कि व्हाई डेमोक्रेसी, यानी हमें डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों होती है, ठीक है. तो सबसे पहले तो कुछ लोग डेमोक्रेसी का फेवर नहीं करते हैं, ठीक है. तो वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में पॉइंट देंगे, ठीक है ना. अगेंस्ट में पॉइंट देने वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है, ठीक है. देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसमें ये कहता है डेमोक्रेसी में इनस्टेबिलिटी है. इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता. अस्थिरता क्या होती है, अस्थिरता होती है बच्चों किस तरीके से, जैसे कि आप इलेक्शंस देखते हैं, ठीक है ना. भारत में इलेक्शन कंडक्ट कराना या डेमोक्रेसी में इलेक्शन कंडक्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. रेगुलर तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है ना. तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है कि इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है. इलेक्शंस आने से बार बार क्या होता है, लीडर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है. अगर हम इंडिया में देखें तो रेगुलर इलेक्शन का टाइम पीरियड 5 साल का है, ठीक है. तो हर 5 साल बाद कोई लीडर चेंज हो जाएगा, ठीक है. जब तक वो सारा सिस्टम प्रोसीजर इंडिया का समझेगा तब तक उसका समय खत्म हो चुका होगा, और फिर कोई दूसरा लीडर आएगा, और फिर 5 साल तक उसे अपने देश को चलाना होगा, देश को समझना होगा, देश के लोगों के लिए काम करना होगा, ठीक है ना. तो यहाँ पर ये बहुत एक अगेंस्ट में पॉइंट बन जाता है कि जो डेमोक्रेसी है वो इनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है, क्योंकि जो लीडर्स हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, लगातार बदले जाते हैं, जिससे अस्थिरता आती है डेमोक्रेसी में, इसलिए लोग उसे नहीं पसंद करते. सेकेंड पॉइंट में क्या है, अबाउट पावर प्ले एंड कॉम्पिटिशन. बिल्कुल सही है. जब इलेक्शंस की बात आ जाती है तो इलेक्शंस में लीडर क्यों लड़ते हैं इलेक्शन, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, सत्ता चाहिए. तो वो पावर हासिल करने के लिए प्ले करते हैं, इलेक्शन खेलते हैं. और कॉम्पिटिशन में जो ईमानदार होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, वो फेयर तरीके से खेलेंगे, कंपटीशन का पार्ट बनेंगे. और जिन्हें ये सब चीजें सिर्फ पावर चाहिए होती है तो वो कंपटीशन में गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना. तो डेमोक्रेसी लोगों के मन में अगेंस्ट में इसलिए चली जाती है क्योंकि डेमोक्रेसी इज अबाउट ओनली पावर प्ले, सत्ता का खेल है. पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं बचता है, यानी नैतिकता नहीं रहती है. सबको सिर्फ किसकी भूख और लालच रहता है कि उनके हाथ में सत्ता आनी चाहिए, उनके हाथ में पावर आनी चाहिए. लोगों की भलाई, लोगों की क्या तकलीफें हैं, लोगों को क्या चाहिए, इन सब चीजों पे उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है, ठीक है.
तीसरा पॉइंट बोलता है डिले इन डिसीजन, यानी कि निर्णय लेने में, फैसले लेने में देरी हो जाती है। कैसे? डेमोक्रेसी बच्चों क्या कहती है कि इलेक्टेड बाय द पीपल है, तो यानी कि लोगों से विचार विमर्श करना पड़ेगा, लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, उनसे कंसल्ट किया जाता है। अगर कोई भी इशू है, कोई भी बात है, ठीक है, अगर उसको सॉल्व करना है तो ऑफकोर्स लोगों से उनकी राय जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जब लोगों की राय जाननी है तो उसमें समय भी लगेगा, समय लगता है, इस वजह से कोई भी फैसला टाइम पर नहीं लिया जाता है और निर्णय लेने में देरी हो जाती है। तो ये भी डेमोक्रेसी को कमजोर करती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी इलेक्टेड लीडर्स होते हैं ना, कई बार वो गलती कर बैठते हैं कि चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद, वो लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि लोगों की क्या रुचियां हैं, लोगों का क्या इंटरेस्ट है, लोग क्या चाहते हैं, इस पर किसी भी मोस्ट ऑफ द लीडर्स का ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए वो अपना इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं है, या उन्हें लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में पता ही नहीं होता है। ठीक है, और इसलिए भी डेमोक्रेसी लोगों को नहीं पसंद आती है। फिर आता क्या है? लीड्स टू करप्शन। डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा करप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इट लीड्स टू करप्शन, क्योंकि करप्शन किस वजह से आता है? इलेक्टोरल करप्शन। हर जगह आप देखो, हर जगह नहीं, बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं, जैसे मैंने आपको मेक्सिको चाइना का एग्जांपल दिया। यहाँ पर इलेक्शन में आपने क्या देखा है? यहाँ पर इलेक्शन में आपने करप्शन देखा है। करप्शन यानी भ्रष्टाचार, ईमानदारी, ऑनेस्टी का कहीं कहीं यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, हर पार्टी अपने आप को जिताने के लिए जितने भी तरीके के डर्टी ट्रिक्स यूज कर सकती है वो करती है और करप्शन को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ये भी डेमोक्रेसी का एक अगेंस्ट पॉइंट बन जाता है। सिक्स पॉइंट में क्या है? ऑर्डिनरी पीपल डो नॉट नो अबाउट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स सिर्फ वही समझ सकता है जिसने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो समाज के हर काम से अवेयर हो, जिसे पता हो कि दुनिया में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है। तो अगर भारत का एग्जांपल है तो भारत में अधिकतर जनसंख्या में कौन आते हैं? ऑर्डिनरी पीपल आते हैं, आम साधारण लोग आते हैं। ठीक है, उन्हें देश दुनिया की, अपने देश के बारे में क्या जानकारी होगी? ठीक है, वो अपने काम धंधे में, अपना परिवार चलाने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि उन्हें पॉलिटिक्स क्या, उन्हें देश की भी कोई खबर नहीं रहती है। तो ऐसे में डेमोक्रेसी सिर्फ वही चला सकता है जिसे पॉलिटिक्स की जानकारी हो, जिसे पॉलिटिक्स की नॉलेज हो। ठीक है, तो ऑर्डिनरी पीपल ऑफकोर्स यहाँ से हट जाएंगे, उन्हें तो डेमोक्रेसी के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तो अगेंस्ट में आया इंस्टेबिलिटी, यानी लीडर्स लगातार बढ़ते रहते हैं। डेमोक्रेसी सिर्फ पावर प्ले है, सत्ता का खेल है और कॉम्पिटिशन बहुत घटिया तरीके से किया जाता है। डिले होता है डिसीजन में क्योंकि लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है। ठीक है, कुछ नेता भले चुन के आ जाते हैं लेकिन उन्हें लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, करप्शन बहुत ज्यादा होता है डेमोक्रेसी में, इलेक्शंस का ही एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं। ऑर्डिनरी पीपल तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो जब वही नहीं जुड़ेंगे तो डेमोक्रेसी को और मजबूती कहां से मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं इसके फेवर में पॉइंट्स जानते हैं। ठीक है, कि कुछ देश लोग ऐसे भी हैं जो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं और वो जहां अगेंस्ट में पॉइंट आते हैं वहां पर वो उसके फेवर में भी पॉइंट ढूंढ लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फेवरेबल पॉइंट क्या है? अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब क्या है? जो हमारी सरकार है, जो हमारी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट है, वो अकाउंटेबल टू द पीपल है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो अकाउंटेबल की बात हमने की है, तो अकाउंटेबल से हम इसका मतलब समझते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी को हम अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक एग्जांपल मान लेते हैं। इसके लिए जैसे कि अगर हमारी सरकार कोई भी, हमारी गवर्नमेंट हमारे देश के लिए कोई भी काम करती है, ठीक है ना, तो अगर वो काम सही होता है तो गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया जाता है, नो डाउट। हर कोई व्यक्ति जो देश में रहता है वो अपनी सरकार की तारीफ करता है, ठीक है। लेकिन अगर वो काम गलत हो जाए, ठीक है, उसमें कोई कमी आ जाए या कुछ छूट जाए, तो जनता क्या करती है? वो सरकार को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है कि ये हो रहा है तो ये ऐसे क्यों हुआ, इसमें क्या गलतियां होगी। जैसे भी आप करंट सिचुएशन में भारत में कोरोना वायरस को देख ही रहे हैं, कोविड 19 का केस, ठीक है।
तो देश को कम से कम नुकसान हो इसके लिए सरकार हर नागरिक को एक ऐसे तसल्ली देना चाहती है जिसमें किसी का भी ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो अगर इस बीमारी से, इस महामारी से हमारा देश बच जाएगा, ठीक है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण क्या हो सकता है कि हमारी सरकार जो है अकाउंटेबल है, यानी कि वो देश की जनसंख्या को मरने नहीं देना चाहती है। अगर वो बीमार है तो सभी बीमारों का इलाज कराया जा रहा है, उन्हें ठीक कराया जा रहा है, हर तरीके की सुविधा दी जा रही है। ठीक है, तो सरकार पीछा नहीं छुड़ा सकती है अपनी जिम्मेदारियों से, सरकार को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए वो अकाउंटेबल है। अगर लोगों ने उसे जिताया है तो अब सरकार की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उसे अपने देश की जनता का पूरा पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले जाती हूँ चाइना और इंडिया का। ठीक है ना, अकाउंटेबल का एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि चाइना में ना फेमाइन अकाल पड़ा था 1958 से 61, दो साल तक का ये टाइम पीरियड है। वर्स्ट, सबसे बेकार, सबसे बुरा ये अकाल माना जाता है, रिकॉर्ड किया गया था वर्ल्ड हिस्ट्री में, जिसमें 30 करोड़ पीपल जो थे वो मर गए थे इस फेमाइन में, इस अकाल में। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं 1958 की, जब चाइना की अर्थव्यवस्था, चाइना की इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी, और उस समय ये अकाल पड़ना एक बहुत बड़ी कमजोरी या कमी हो जाती है चाइना की, कि उसके देश में 30 करोड़ जनसंख्या में लोग जो हैं वो भूखे मर गए, उनके पास खाने की कमी हो गई, उनकी फसलें, उनके अनाज बर्बाद हो गए। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम, अब हम इसी समय में इंडिया में आते हैं। इंडिया तो अभी फिलहाल आजाद ही हुआ था, आप जान सकते हैं कि भारत को 10 साल भी नहीं हुए, 1958 की बात करें, 1947 में तो भारत आजाद हुआ था। ठीक है, और 1951 में हमारी पहली सरकार बनी थी जो देश को चलाने लग रही थी। तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो उस टाइम पे इतनी बेटर नहीं थी जितनी की चाइना की थी। ठीक है, तो इंडिया की अभी कंडीशन बहुत ज्यादा लोअर लेवल पर थी, लेकिन इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो भारत की जो सरकार है उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली और भारत में किस चीज को बनाए रखा, फूड सिक्योरिटी को, फूड श्योरिटी को। फूड सिक्योरिटी मतलब ये कि देश में इतना अनाज तो रहेगा ही कि देश का व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा या उसे किसी भी तरीके की भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे कितने भी बड़े पैमाने पर कोई बीमारी आ जाए, अकाल पड़ जाए या कोई भी डिजास्टर आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भारत के पास एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी। आज के टाइम पर भी आप देख रहे हो ना, ये महामारी जो बनी हुई है भारत में, उसमें सरकार ने ये पूरे तरीके से सुनिश्चित किया हुआ है, लोगों को इस चीज की तसल्ली दे रखी है कि उन्हें अनाज की, खाने की कमी बिल्कुल नहीं होगी, हर किसी को राशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हमारे देश में फूड सिक्योरिटी को अभी तक मेंटेन किया गया है। ठीक है, तो चाइना की गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके देश के लोग मरते जा रहे थे तो वो मरे क्योंकि उनको अनाज नहीं मिल रहा था, चाइना के पास फूड सिक्योरिटी जैसी कोई सुविधा नहीं थी। ठीक है, तो आप दोनों में रिलेट कर पा रहे हो अकाउंटेबल में, कि चाइना अकाउंटेबल बिल्कुल नहीं है, उसने अपने देश की लोगों को मरने से नहीं बचाया, वो भी अकाल पड़ते टाइम पर, अगर अकाल पड़ा है तो अनाज देना चाहिए था कि लोग भूखे नहीं मरने चाहिए थे। लेकिन इंडिया एज अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इंडिया ने क्या किया, अपने देश में हर नागरिक को, हर व्यक्ति को अनाज की कमी की उपलब्धता, अनाज की कमी कभी नहीं होने दी, हमेशा उसे प्रोवाइड कराया है। ठीक है, जबकि इंडिया में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, देखते हो बहुदलीय पार्टी भारत में चलती है, ऐसे चाइना में भी चलती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हुआ क्या, चाइना में सो मैनी पीपल जो हैं वो मर गए, जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, फेमाइन की वजह से, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये डेमोक्रेसी किस चीज को इम्प्रूव करती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसे देखो वहां का एग्जाम्पल उठाओ, डिले इन डिसीजन, वाई डेमोक्रेसी का अगेंस्ट पॉइंट था डिले इन डिसीजन, उसी को ही हमने पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जहां इतने सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल से जब कंसल्ट किया जाएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल से कंसल्ट होगा तो हम जान पाएंगे ना कि सरकार जो फैसला लेने वाली है उसमें कितने लोग उस डिसीजन को सहयोग करेंगे और कितने लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जितने ज्यादा लोगों से डिस्कशन होगा उतना ही ज्यादा डिसीजन लेने की क्वालिटी
इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इन्वॉल्व करती है बहुत सारे लोगों को, इन्वॉल्व मेनी पर्सन डिस्कशंस में और मीटिंग में। जब सेवरल पीपल एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, ठीक है, जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं कि कोई मिस्टेक निकल पाए, कोई गलती निकल पाए, ठीक है। तो कोई भी फैसला होता है वो बहुत कम गलतियों के द्वारा ही लिया जाता है। और इस वजह से किस चीज के चांसेस कम हो जाते हैं, गवर्नमेंट रैश नहीं होती है और इरेस्पॉन्सिबल नहीं बनती है। तो डिले इन डिसीजन से हमने पॉजिटिव पॉइंट क्या बना लिया, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। आते हैं डील्स विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये फेवरेबल पॉइंट है कि भारत जैसे विविधताओं वाला देश, डाइवर्सिटी है भारत में रिलीजन को लेकर, कल्चर को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, कास्ट को लेकर, ठीक है। तो इतने सारे डिफरेंसेस जब भारत में देखने को मिल रहे हैं, डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, तो आपस में लोगों के बीच में किसी भी बात को लेकर मतभेद चालू हो जाएगा, या वो एक दूसरे को अपने आप को डिफरेंस महसूस करेंगे, डिफरेंट महसूस करेंगे। तो ये हमारी डेमोक्रेसी ही है जो किससे डील करती है, लोगों के बीच में पैदा होने वाले डिफरेंसेस को और कॉन्फ्लिक्ट्स को हटा देती है, ठीक है। एक एग्जांपल और इसमें हम दे देते हैं कि अगर हम देखें डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, तो एक इलेक्शन का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता, कोई भी परमानेंट रूलर नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जो लूजर नहीं होता है या परमानेंट रूलर नहीं रहता है, तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल बन जाता है कि सिर्फ एक ही ग्रुप को शासन करने को नहीं दिया जाता है। अगर एक ही ग्रुप रूल करेगा तो वो सिर्फ अपने ही ग्रुप के बेनिफिट्स के बारे में मोस्टली सोच सकता है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल बन गया कि डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं एक साथ रह पाते हैं, पीसफुली रह पाते हैं भारत जैसी डाइवर्स कंट्री में, ठीक है। और भारत ही एक ऐसा देश है जो डेमोक्रेसी के नाम पर अपने देश को एक साथ बांधे हुए रख रहा है। भारत में इतने सारे स्टेट्स होने के बावजूद भी हम अपनी कंट्री को इंडिया और हम अपने आप को इंडियंस ही कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, ठीक है। नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है, जो भी हम मैंने बोला ना इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो जहां लोगों की ही चलती है तो लोगों का मान सम्मान अपने आप ही बढ़ जाएगा। सो डेमोक्रेसी किसको इनहेंस करती है, डिग्निटी ऑफ पीपल को। कैसे, एग्जाम्पल देती हूँ। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ ए रूलर्स, जो लोग होते हैं, जनता होती है, वो रूलर्स के लिए काम नहीं करती है, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। जनता खुद क्या होती है, जनता खुद रूलर होती है, जो अपने चुने हुए प्रतिनिधि को काम कैसे करना है उसके बारे में उसको सिखाती है, समझाती है, ठीक है। तो हम रूलर्स के गुलाम नहीं है, रूलर्स को लोगों के हिसाब से काम करना पड़ता है, ठीक है। डेमोक्रेसी ही अलाउ करती है, अगला पॉइंट है, अलाउ टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। अगर डेमोक्रेसी में गलती भी हो जाती है किसी डिसीजन को लेकर, तो उसे करेक्ट करने का भी मौका डेमोक्रेसी में दिया जाता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट अगर चाहे उससे कोई गलती हो जाती है किसी फैसले लेने में और लोग उसका विरोध करते हैं, तो सरकार अपने उस लिए हुए फैसले को बदल भी देती है, क्योंकि उसे लगता है कि जब लोग उसको फेवर नहीं दे रहे हैं तो यानी उस फैसले में कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, ठीक है। अब हम डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर मीनिंग, ठीक है, विस्तृत अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक आइडियाज कैन बी प्रैक्टिसाइड इन वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम डेमोक्रेटिक आइडियाज का ही जो प्रैक्टिस में फॉलो करते हैं, ठीक है। कोई भी देश कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है बच्चों, कहीं ना तो कहीं हम हर तरीके की छुटपुट कमियां जरूर देखते हैं, चाहे वो म्यांमार का एग्जांपल है, मोनार्की है, पाकिस्तान है, मेक्सिको है, चाइना है, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी, हर कंट्री के एग्जांपल, इवन भारत के भी एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि किसी भी देश में कम्प्लीट डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। फीचर्स आर ओनली मिनिमम कंडीशन, इतने सारी जो मैंने आपको विशेषताएं बताई है ना, ये बहुत ही कम कंडीशन पर ही इस्तेमाल होती है, कोई भी इसे पूरे तरीके से हर स्थिति में इस्तेमाल नहीं करता है। अ लॉट ऑफ कैन बी डन टुवर्ड्स अचीविंग रियल डेमोक्रेसी, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है जिससे कि हम रियल डेमोक्रेसी को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रॉडर मीनिंग में जानने तो ये भी हो जाता है कि आज के टाइम पर हम मॉडर्न डेमोक्रेसी को देख रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी ने क्या किया है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को
इन्वॉल्व किया है, ठीक है। तो पीपल इन्वॉल्व होते हुए कहाँ दिखाई देते हैं? फिजिकली हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हम लोग अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को पहुंचाते हैं अपनी सरकार तक, अपनी डेमोक्रेसी के थ्रू, ठीक है। तो फिजिकली तो इम्पॉसिबल है सभी लोगों का एक साथ बैठकर कोई कलेक्टिव डिसीजन लेना, ठीक है। और कई बार तो नागरिकों के अंदर खुद ही ये डिजायर नहीं होती है, या उनके अंदर वो स्किल ही नहीं होती है। जैसे मैं ऑर्डिनरी पीपल वाला अगेंस्ट का 6 पॉइंट आपको बता रही थी कि वो डेमोक्रेसी के हर डिसीजन में पार्ट ले सके, इसीलिए ये बहुत जरूरी हो चुका है कि पीपल का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। लोगों को भी अपनी डिजायर, अपनी इच्छाओं को बढ़ाना होगा, लोगों को भी अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा, और उन्हें डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करना ही होगा। क्योंकि एक डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ केवल लोगों के सपोर्ट के माध्यम से ही मजबूत हो सकती है, उसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये चैप्टर आज कंप्लीट कर दिया है, व्हाट इज डेमोक्रेसी भी हो चुका है, और बाय डेमोक्रेसी, जिसमें आप उसके अगेंस्ट और फेवर के पॉइंट लर्न करेंगे, ब्रॉडर मीनिंग में भी जान लेंगे। ये सारी चीजें करके इस चैप्टर को मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। आप इसे अच्छे से पढ़ें, नोट्स आपके पास है ही, और आपको असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।